Unit 2, Mountains, Plateaus and Valleys. Page number 24. Mountains, plateaus, plains and valleys are the natural features that make up the Earth's surface. These natural features are termed as landform, and they have different shapes and profiles. G. माउंटेन्स प्लेटूज प्लेन्स और वैलीज़ जो हैं वो कुदरती खसूसियात हैं जो ज़मीन की सतह को बनाती हैं और इन कुदरती खसूसियात को लैंड फॉर्म कहा जाता है। इनकी मुख्तलिफ शक्लें और प्रोफाइल्स होते हैं। इन लाइन्स को अंडरलाइन कर लें। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर लैंड फॉर्म्स, कि लैंड फॉर्म्स क्या हैं। तो लैंड फॉर्म्स क्या हैं, वो कुदरती खसूसियात हैं यानी कि पहाड़, सतह मुर्तफा, मैदान और वादियाँ। ये जो कुदरती खसूसियात हैं ये ज़मीन की सतह को बनाती हैं और इन खसूसियात को ही लैंड फॉर्म कहा जाता है। इंग्लिश में आपका इसका आंसर होगा माउंटेन्स प्लेटूज प्लेन्स एंड वैलीज आर द नेचुरल फीचर्स दैट मेक अप द अर्थ सरफेस। दीज नेचुरल फीचर्स आर टर्म्ड एज लैंड फॉर्म्स। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ अर्थ। वन डिवेलप्स मैनी पैटर्न्स एंड लैंडस्केप एंड अदर चेंजेस दीज लैंडस्केप्स। जी, ज़मीन के अमल की दो किस्में हैं। एक बहुत से नमूने और मनाजर तैयार करता है और दूसरा इन मनाजर को तब्दील करता है। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ, के अर्थ के टू टाइप्स के जो प्रोसेसेस हैं वो कौन से हैं। वन डिवेलप्स मैनी पैटर्न्स एंड लैंडस्केप्स एंड अदर चेंजेस दीज लैंडस्केप्स। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा। डायस्ट्रोफिज्म, वॉल्केनोस, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एक्सेट्रा ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड क्रिएट माउंटेन रेंजेस, ओशनिक रिजेस, ट्रेंचेस एंड ड्रिफ्ट्स, वैलीज एक्सेट्रा। डायस्ट्रोफिज्म, आतिश फिजा, तय और फॉल्टिंग वगैरह ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पैदा होते हैं और पहाड़ी सिलसिले, समुंदरी रेजों की खंदकें और वादियाँ वगैरह बनाते हैं। वेयर एज अदर सेट ऑफ अर्थ प्रोसेसेस कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर वेदरिंग, इरोजन एंड मैस मूवमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज अलॉन्ग विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ देयर फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि ज़मीनी अमल के दूसरे सेट ज़मीन की सतह को मुसलसल तैयार करते रहते हैं। ये मौसमियाती कटाव और बड़े पैमाने पर तहरीक हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहाड़ों, मैदानों और सतह मुर्तफा की इकसाम के साथ साथ उनकी तश्कील किस तरह से होती है, उसका मुख्तसर तारुफ भी हम पढ़ेंगे। माउंटेन्स। अ माउंटेन इज़ अ नेचुरल elevation of the earth's surface which rises at least 1000 meters above sea level and at least 50% of its surface consists of steep slopes, while hills are natural elevations of earth's surface which resemble mountains in many ways but are of lower elevation. Both are conical shaped, existing singly or in groups. पहाड़ क्या होते हैं। एक पहाड़ ज़मीन की सतह की कुदरती बुलंदी है जो सतह समुद्र से कम 1000 मीटर बुलंद होती है और इसकी सतह का कम से कम 50% खड़ी ढलवानों पर मुश्तमिल होता है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लें। अ माउंटेन इज़ नेचर से लेकर स्टीप स्लोप्स तक, ठीक है, एमसीक्यूज में या ब्लैंक में ये लाइन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। और पहाड़ियाँ क्या होती हैं। पहाड़ियाँ ज़मीन की सतह की कुदरती बुलंदी हैं जो कई तरीक़ों से पहाड़ों से मिलती जुलती हैं। ये कॉनिकल शेप्ड यानी कॉनिकल शक्ल की होती हैं और ग्रुप्स में मौजूद होती हैं। ये जो वर्ड है कॉनिकल शेप्ड, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। हिल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी शेप किस तरह से है, ठीक है, तो हिल्स की शेप कैसे है, कॉनिकल शेप। We know that majority of earthquakes and
volcanoes are caused by the movement of tectonic plate, it is interesting to know that mountains have been formed by the same process as well. There are three major types of mountains. जैसा कि आप पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि जलजले और आतिशफिशां की अक्सरियत टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से आती है, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती हैं तो जलजले आते हैं, आतिशफिशां होती है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि पहाड़ भी इसी अमल से बनते हैं। हाँ जी, पहाड़ किस अमल से बनते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से। अब हम माउंटेन्स की थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। Page 25, fold mountains. Mountains that we built by the folding of rock layers due to colliding tectonic plates are called fold mountains. ये definition है, underline कर लें कि fold mountains वो पहाड़ जो tectonic plate के टकराने की वजह से चट्टानों की तहों के तह करने से बनते हैं, उनको fold mountains कहते हैं। The folding process is believed to be the origin of almost all the great mountain ranges of the world, the Karakorams, the Himalayas, the Alps, the Rocky Mountains, and the Andes are ranges of fold mountains. These are primarily composed of sedimentary and metamorphic rocks. और यही ख्याल किया जाता है कि तमाम अजीम जो पहाड़ी सिलसिले हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जैसा कि कराकरम है, हिमालय है, रॉक माउंटेन है, ये जो सिलसिले हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस के नाम भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जो कि हैं कराकरम, हिमालयास, रॉकी माउंटेन्स। तो ये जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, ख्याल ये किया जाता है कि ये इसी अमल के तहत वजूद में आए हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के अमल से ये वजूद में आए हैं, और इनमें सेडिमेंट्री और मेटाफोरिक रॉक्स जो हैं वो शामिल हैं। नंबर टू पे है हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स। माउंटेन्स दैट वर फॉर्म्ड बाय द वर्टिकल अपलिफ्टिंग ऑफ मास ऑफ रॉक लैंग बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्ट्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट। अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। Horst is a term used to block like mountains or plateaus with the flat tops and steep straight sides. Examples of horst are the Vosges mountain in the France and Black Forest in Germany. Objective point of view से ये line भी important है कि Vosges mountains किस जगह पे हैं, France में हैं, और Black Forest कहाँ पे पाए जाते हैं, Germany में। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, वो पहाड़ जो आम तौर पर फॉल्ट्स के दरमियान मौजूद चट्टान के बड़े पैमाने पर उमूदी बुलंदी से बनते हैं, इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स या फॉरेस्ट कहा जाता है। और इनकी मिसालें फ्रांस में वोस्जेस पहाड़ हैं और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट हैं। ये पहाड़ों के नाम हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हैं। और कौन से पहाड़ हैं? ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं ये। Page 26, do you know? Plate faults located in Pakistan. Main central thrust is a boundary between higher and lesser Himalayas. कि central thrust एक हद है, boundary है, किसके दरमियान? Higher और lesser Himalayas के दरमियान। Number टू, Chaman plate fault is located in Huzdar, Kalat and Quetta regions. From where it enters into Afghanistan. हाँ जी, चमन प्लेट फॉल्ट हज़ार, क्लात और कोयटा के इलाकों में वाक़ है, जहाँ से ये अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नंबर थ्री, मेन कराक्रम फॉल्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन कोहिस्तान, लद्दाख अर्च एंड कराक्रम अर्च। कि कोहिस्तान लद्दाख अर्च जो है, मेहराब जो है, और कराक्रम मेहराब के दरमियान में वाकई है। मेन बाउंड्री फॉल्ट इज़ लोकेटेड इन सदरन हिमालय रीजन, हिमालय के जनूबी इलाके में जो है इसकी मेन बाउंड्री फॉल्ट वाकई है। एंड सॉल्ट रेन थर्स्ट फॉल्ट, आपने ये एब्रीविएशंस भी याद करनी है कि SRT किसकी एब्रीविएशन है, MBF किसकी एब्रीविएशन है, और MKF
किसकी एब्रीविएशन है, ठीक है, ये एब्रीविएशन भी आपने याद करनी है। जैसा कि SRT सॉल्ट रेन थ्रस्ट की है, फिर MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट है, MKF मेन कराक्रम फॉल्ट। नंबर 3 जो हमारे पास माउंटेन्स नंबर 3 टाइप के हैं वो हैं वोल्केनिक माउंटेन्स आर कॉनिकल माउंटेन्स बिल्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लावा एंड पेरोक्लास्टिक मटेरियल्स अराउंड द वेंट ऑफ द वोल्केनोस। मेजॉरिटी ऑफ द वोल्केनोस आर अलोंग कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज एंड सेम आर फॉर्म्ड इन इंटीरियर्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड नियर डाइवर्जिंग प्लेट्स बाउंड्रीज। वोल्केनोस लोकेटेड इन प्लेट इंटीरियर्स एंड नियर डाइवर्जिंग प्लेट्स बाउंड्रीज एंड टर्म एज हॉट स्पॉट वोल्केनोस। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया ऑफ वोल्केनोस एंड इट रन्स अलोंग द एज ऑफ पैसिफिक ओशन। एशियन मेडिटेरियन बेल्ट इज अनदर प्रोमिनेंट रीजन ऑफ वोल्केनोस। इसमें ये जो लाइन है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया ऑफ वोल्केनोस एंड इट रन्स अलोंग द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। जी, आतिशफिशां पहाड़ वो ऐसे पहाड़ हैं जो आतिशफिशां के सुराखों के गिर्द लावे के मवाद से जमा होने से बनते हैं और ज़्यादातर आतिशफिशां प्लेट की हदूद के साथ मिलकर बनते हैं। कुछ टेक्टोनिक प्लेट के अंदरूनी हिस्सों और प्लेट की हदूद के करीब होते हैं। प्लेट के अंदरूनी हिस्सों में वाकई आतिशफिशां और प्लेट की बाउंड्रीज़ के करीब वाकई हॉट स्पॉट जो होते हैं वो आतिशफिशां कहलाते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आतिशफिशां का एक बहुत बड़ा इलाका है और ये पैसिफिक ओशन के किनारे से चलता है और एशियन मेडिटेरियन बेल्ट जो है आतिशफिशां का एक नुमाया खिता है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। 3 मेजर टाइप्स जो है माउंटेन्स की वो यहाँ पे एंड होती हैं। पेज नंबर 27 पे है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में माउंटेन की जो टाइप्स हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माउंटेन्स लोकेटेड इन पाकिस्तान आर प्राइमरी फोल्ड माउंटेन्स, हाउएवर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम एरियाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में वाकई पहाड़ बुनियादी तौर पर फोल्ड पहाड़ हैं, ताहम पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आतिशफिशां ज़मीनी शक्लें भी मौजूद हैं। फोल्ड माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोल्ड माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, फोल्ड माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इट, देयरफॉर दे कैन बी क्लासिफाइड एज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। पाकिस्तान के जो फोल्ड माउंटेन्स हैं इसके शुमाली और मगरबी हिस्सों में फैले हुए हैं पाकिस्तान के, ठीक है, और इन्हें शुमाली और मगरबी पहाड़ों के तौर पर पहाड़ों के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनकी दर्जाबंदी की जाती है, ठीक है। About 225 to 65 million years ago, in place of these mountains existed a sea named as Tethys. ये important line है। Folding of Tethys seas bed began about 65 million years ago and continued up to 54 million years. Due to this folding process, northern and western mountain ranges began to appear around 26 to 7 million years ago. Formation of these mountains completed around 2.5 million years ago. Their uplifting is still evident. अब कह रहे हैं कि ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं पाकिस्तान में, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन्स की दर्जाबंदी भी इनकी की जा सकती है, इनको कहा जाता है, इनके बारे में कह रहे हैं कि तकरीबन 225 से 65 मिलियन साल पहले इनकी जगह, इन पहाड़ों की जगह समुंदर मौजूद था और उस समुंदर का नाम क्या था, टेथिस। इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है, स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा इसके। अब टेथी के समुद्री
अब टैथी का ये जो समुंदर है ये तकरीबन 65 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 54 मिलियन साल तक जारी रहा। अब फोल्डिंग के इस अमल की वजह से तकरीबन 26 से 7 मिलियन साल पहले शुमाली और मगरबी पहाड़ी सिलसिले नमूदार होने लगे और इन पहाड़ों की तश्कील तकरीबन 25 लाख साल पहले मुकम्मल हुई थी और इनकी तरक्की जो है वो अभी यहाँ है, अभी भी जारी है। कराकरम द हिमालया एंड द हिंदुकश आर टर्म्ड एज नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकरम है, द हिमालया है और द हिंदुकश है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस से पहले जो है वो हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। फिर दीज माउंटेन स्ट्रेचेज ऑलमोस्ट इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन से जो माउंटेन्स हैं वो फैले हुए हैं, कराकरम, हिमालया एंड हिंदुकश, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। सफ़ेद को वजीरिस्तान हिल्स, कोह सुलेमान एंड किरतार रेंजेस रेंज आर इंक्लूडेड इन वेस्टर्न माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। अब ऊपर वाले कौन से थे, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये तीन जो नाम हमने ऊपर पढ़े थे, और अब जो नीचे हैं कोई सफ़ेद वजीरिस्तान वगैरह जो हैं ये वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं कहलाते हैं। पे 28 नंबर 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। पहले हमने फोल्ड माउंटेन्स पढ़े, अब हम वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। रास को मुस्लिम बाग, सफ़ेद को एंड द वजीरिस्तान हिल्स इन पाकिस्तान हैव लैंड फॉर्म्स विच इंडिकेट द इग्नियस एक्टिविटी इन दीज एरियाज इन द पास्ट। जी, रास को मुस्लिम बाग, सफ़ेद को और पाकिस्तान में वजीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में ऐसी ज़मीनी शक्लें हैं, यानी कि ऐसी ज़मीनी शक्लें हैं जो माजी में इन इलाकों में आतिशगिरी की सरगर्मी की निशानदेही करती हैं, कि बताती हैं कि आतिशगिरी यहाँ पे होती रही है। उनकी शक्लों से पता चलता है कि यहाँ पे आतिशगिरी इस एरिया में चलती रही है। द चाही हिल्स एरिया इन पाकिस्तान रिमेन्ड सब्जेक्ट टू वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द पास्ट, कि चाही हिल एरिया बलूचिस्तान में जो है वो भी आतिश फिसां की एक्टिविटी, माजी में आतिश फिसां की एक्टिविटी की निशानदेही करता है। द वेलकोनोज ऑफ द एरिया आर एक्सटिंक्ट बट देयर इरोडेड क्रिएटर्स स्टिल एग्जिस्ट। द कोह सुलेतान इज द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर ऑफ दीज क्रिएटर्स एंड इट्स एलिवेशन इज अबाउट 2334 मीटर्स अबव सी लेवल। ये जो बलूचिस्तान का चागी इलाका है जिसमें आतिश फिजा सरगर्मियों का निशान जो है वो मिलता है, इलाके की आतिश फिशा जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं लेकिन इनके कटे हुए घड़े अब भी मौजूद हैं। कोह सुल्तान इन घड़ों में सबसे ज़्यादा शानदार है। ठीक है, ये लाइन ज़रा आप रिमाइंड कीजिएगा कि जो घड़े हैं बलूचिस्तान के चागी पहाड़ी इलाकों में, उनमें से ज़्यादा शानदार जो घड़ा है जो अभी मौजूद है वो कोह सुल्तान का है और इसकी बुलंदी सतह समुंदर से तकरीबन 2334 मीटर है। ये लास्ट वाली लाइन भी आप अंडरलाइन करेंगे और इसको याद करेंगे। मड वोल्केनोस आर ऑल्सो लोकेटेड इन सम एरिया ऑफ बलूचिस्तान। दीज वोल्केनोस आर क्रिएटेड बाय इरप्शन ऑफ मड वाटर एंड गैसेस, दे आर नॉट इग्नियस इन नेचर। चंद्र गैप मड वोल्केनोस एग्जिस्ट इन हिंगोल नेशनल पार्क ऑफ लेसबेला डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान। द थ्री मेन मड वोल्केनोस आर कॉल्ड चंद्रगप, चंद्रगप एंड चंद्रगप। जबले गुराब इज अनदर मड वोल्केनो लोकेटेड इन बलूचिस्तान। मिट्टी की आतिश फिशां बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी मौजूद हैं। ये आतिश फिशां कीचड़, पानी और गैसों के फटने से पैदा होते हैं। वो फितरत में इग्नियस नहीं है, इनकी फितरत में इग्नियस नहीं है। चंद्र गप मट्टी के आतिश फिशां बलूचिस्तान के ज़िला लेसबेला के हंगोल नेशनल पार्क में मौजूद हैं। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्पेलिंग के साथ इनके नेम्स याद करने हैं।
गोल नेशनल पार्क के, ठीक है, तीन अहम मिट्टी के आतिशफिशां, ठीक है, ये नाम आपके हैं जो बलूचिस्तान में वाक़ हैं।